अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर ड्राइव व्लॉग। आज हमारा रूट थोड़ा डिफरेंट होगा। सिविक सेंटर से यूनिवर्सिटी रोड, यूनिवर्सिटी रोड से फिर हमने जाना है डिस्को बेकरी की तरफ, गुलशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ड्राइव व्लॉग। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना ड्राइव व्लॉग। मुझे अपना ड्राइव व्लॉग यूजली ना ये अंडरपास जो है ना, दोनों इनको क्रॉस करने के बाद शुरू करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इन अंडरपासेस में तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इतनी बुरी हालात हैं, अभी तक कारपेटिंग नहीं हो सकी इनके। अच्छा, हमारा जो ट्रैफिक होता है ना कराची में, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ना ये है कि जो हमारी हैवी ट्रैफिक है ना, वो बहुत गलत चल रहा होता है। अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक रूल्स, जितनी हैवी व्हीकल्स होती हैं उनको, क्योंकि पाकिस्तान में राइट हैंड ड्राइव होती है, तो उस हिसाब से इनको बिल्कुल लेफ्ट लेन में जो है ना चलानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जितने ट्रक्स, ट्रॉले, वाटर टैंकर्स आप देखेंगे कि आपको जो है ना राइट लेन में जो है ना चलते हुए दिखेंगे। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ना रोड खुले होने के बावजूद ट्रैफिक स्लो हो जाता। बारिश भी थोड़ी थोड़ी सी शुरू हो गई है, छींटे पड़ के ख़त्म हो गई हैं। बारिश आज ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि हम जिस काम से जा रहे हैं अगर बारिश हो गई तो वो काम ख़राब हो जाएगा, और बहुत बुरी तरह ख़राब हो जाएगा। थोड़ा विंड स्क्रीन्स को क्लीन करते हैं ताकि हमारा व्यू क्लियर हो आगे का। अभी सिविक सेंटर से हम टर्न कर लेंगे लेफ़्ट पे, फिर यूनिवर्सिटी रोड पे देखते हैं क्या हालात हैं। मोस्टली हमारी जो सड़कें हैं ना, उनमें आपको लेन्स नहीं दिखेंगी। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग ना इधर उधर बस मंडला रहे होते हैं, गाड़ियाँ कोई अपनी ना डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में ही नहीं ड्राइव कर पाता। अच्छा, एक बहुत बड़ा इशू होता है हमारे यहाँ पे ना, यूजली जो ड्राइवर्स मिस्टेक करते हैं कि उन्होंने अगर रैंप पे नहीं भी चढ़ना ना, और अगर लेफ्ट पे या राइट पे कहीं मुड़ना है, तो वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके जो है ना वो मुड़ते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा टैंकर वाला है जो अभी मिडिल लेन में ड्राइव कर रहा है, वरना यूजली जो वाटर टैंकर्स वाले हैं ना, इन्होंने ट्रैफिक का बेड़ा गर्क किया होता है कराची में, बिल्कुल राइट लेन में चला रहे होते हैं। एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे ना इनकी जो मुझे समझ में आता है मसला कि क्यों राइट लेन में चलाते हैं, वरना यही आप अगर मोटर वेज पर अगर ड्राइव कर रहे हो ना, तो वहाँ पर इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करते हैवी व्हीकल ड्राइवर्स जो होते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे उनको पता होता है कि यार ये स्पीड की लिमिट इतनी हमें रखनी है, और इसी पे हम विदाउट जो है ना ब्रेकिंग चलाते रहेंगे। अब यहाँ पे इशू ये है कि ये लोग इस वजह से राइट लेन घेर लेते हैं, जो मुझे लगता है कि इनको बार बार ना ब्रेक नहीं मारनी पड़ती। लेकिन इनके इस बार बार ब्रेक ना मारने से बचने के चक्कर में ना बाकी का ट्रैफिक बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट होता है और स्लो हो जाता है, और अल्टीमेटली फिर जो है ना लोग रॉन्ग साइड से ओवरटेक करते हैं, जो कि लेफ़्ट साइड से, मतलब ये कि लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करते हैं। क्योंकि आपने अगर किसी को भी ओवरटेक करना हो, तो उसका जो अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन जो वे है, वो ये कि आप राइट लेन से उनको ओवरटेक कर सकते हैं इंडिकेटर देते हुए, ये रूल होता है। बट यहाँ पे कोई ओवरटेकिंग का किसी को पता ही नहीं है, वो कोई बुक पढ़ेगा तो पता लगेगा ना भाई कि रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं ट्रैफिक के। प्लस ये कि स्पीड लिमिट्स का लोगों को नहीं पता कि यार किस लेन में आपने किस लिमिट में ड्राइव करना है। बाकी पर जो नो पार्किंग वाली जगहों पर लोगों ने पार्किंग कर देते हैं, उससे भी ट्रैफिक का फ्लो ख़राब होता है। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है इस टाइम, और बारिश होने के आसार लग रहे हैं, बट बारिश अब ना ही हो तो बेहतर है भाई, क्योंकि हमारा शहर इस लायक नहीं है अभी फ़िलहाल कि यहाँ पे इतनी बारिशें हों। बारिशों के बग़ैर ही ठीक रहता है हमारा शहर। यूनिवर्सिटी रोड पर हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, इस पर अभी ट्रैफिक का इतना फ्लो नहीं है और कदर बेहतर है। अच्छा, बाइक्स वालों का जो है ना एक बड़ा ये भी इशू होता है, वो बाइक्स वाले भी क्या करें, इनकी मजबूरी है भाई। शारा फैसल पे एक इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने एक टाइम पे, कुछ अर्सा पहले, कि बाइक्स की जो है ना वो लेन सेपरेट कर दी थी, डेडिकेटेड बाइक लेन बना दी गई थी, लेकिन वो भी चंद दिन ही चली, उसके बाद फिर लोग वो वैसे ही अपना चलना शुरू हो गए बीच रास्ते में। वो बाइक लेन में मसला ये ना कि सिर्फ बाइक्स नहीं चल रही थी, वहाँ पर रिक्शे भी चल रहे हैं, लोगों ने पार्किंग्स भी की हुई हैं, तो वो कहाँ से लोग अपना ऊपर ड्राइव करेंगे उस पर बाइक सकून से। बाइक्स की वजह से भी जो है ना ये बड़ा ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है, इधर उधर जा रहे होते हैं, इंडिकेटर तो आधी से ज़्यादा बाइक्स के ऊपर होते ही नहीं है, और जिनके हों वो भी यूज़ नहीं करते।
अच्छा, बाइक्स वालों का जो है ना इंडिकेटर देने का तरीका बड़ा ज़बरदस्त होता है अगर उनके बाइक के इंडिकेटर्स काम ना कर रहे हो। यूजली हाथ के थ्रू इंडिकेटर दे दिया जाता है, लेकिन उसके अलावा जो मोस्टली जो बाइकर्स होते हैं ना और जो इंडिकेटर देने का तरीका यूज़ करते हैं वो उनका जो है ना गर्दन होती है। तो ये फीमेल ड्राइवर्स के लिए जो है ना एक टिप है, क्योंकि मेल्स को तो ये पता होता, समझ जाते हैं, बट फीमेल्स यूजली बाइक नहीं चलाती पाकिस्तान में इतना ज़्यादा, अभी चलाना शुरू हुई है। तो इसलिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि जब भी कभी आप कोई बाइक वाला देखें जो गर्दन बार बार ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे कर रहा हो चलाते हो, तो समझ जाएं इसका इंडिकेटर है, बाइक वाला इंडिकेटर दे रहा है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने उस साइड से उसको क्रॉस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपने बाइक वालों को बचाना होता है, क्योंकि अगर आप बचाएंगे नहीं बाइक वालों को तो अल्टीमेटली आपकी गाड़ी में जाके बाइक वाला घुस जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही आप रिकवरी ख़राब होगी उससे, वो बोलेगा भाई मैं कहाँ से भरूँ, सॉरी बोल के वो चला जाएगा आपसे। तो आपने ख़ुद अपनी गाड़ी को भी बचाना है और बाइक वालों को भी बचाना है। अच्छा ये देखें, अब ये ट्रैफिक ये रोड सिग्नल फ्री है बट स्टिल यहाँ पे चोक हो गया ट्रैफिक। रीज़न इज़ वही जो मैंने आपको बताया, एक वाटर टैंकर आगे चला गया राइट लेन में, आप देख सकते हैं वो जा रहा है आगे। बाकी के भी लोग जो साइड से मुड़ के रोड जो लिंक हो रहा होता है, टर्न हो रहा होता है, वो आ रहे होते हैं। प्लस ये गलत जगह पर जो है ना ये कोस्टर्स और कुछ बस वाले रोक देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बस वाले और ये जो कोचेज वाले होते हैं ना, ये अक्सर उस पॉइंट पे लाके अपनी जो है ना बस पार्क करेंगे या अपनी सवारियां बिठाएंगे जहां पर रोकने नहीं चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली टर्न के पास जो है ना वो करके गाड़ी को रोक देंगे अपनी, और जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है ना वो बॉटलनेक आ जाता है। अच्छा, अब हम ये रोड क्रॉस करेंगे ना, आगे जाएंगे देखेंगे, कुछ भी नहीं होगा, क्लियर होगा रास्ता बिल्कुल। थोड़ी बहुत सड़क टूटी बूटी हर जगह ही है कराची में, वो तो हमारा जो है वो एक आदत हो गई हम लोगों को इसकी टूटी बूटी सड़कों की, तो इसलिए कोई हमें हैरानी नहीं होती। लेकिन ये ट्रैफिक जैम के जो रीजंस होते हैं ना, जो मैंने आपको पहले बताया था, देखिए टैंकर आगे एक जा रहा है राइट लेन घेरता हुआ जा रहा है, उसके आगे एक और ट्रक जा रहा है उसने भी राइट लेन घेरी हुई है, जो कि फास्ट लेन होती है, हैवी व्हीकल्स के लिए नहीं होती है वाली लेन। अब गाड़ी वाले बाइक्स वाले वो मजबूरन फिर जो है वो लेफ्ट से अपना वो रास्ता लेते हैं, और लेफ्ट से रास्ता लेने की वजह से फिर जो है वो ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाता है। अब जिसने राइट पे जाना है वो लेफ्ट में घुसा हुआ है, जिसने लेफ्ट पे जाना है वो राइट में घुसा हुआ है। ये एक बड़ा जो है ना इसका रूट कॉज है हमारे यहाँ के ट्रैफिक का, जो 2 मिनट का रास्ता है हमारा वो 10 मिनट में बदलने वाला है सिर्फ और सिर्फ इस ट्रैफिक की वजह से। ये एक सिग्नल फ्री रूट है, इस रोड पे फुल आगे तक कोई सिग्नल नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है इस रोड पे, लेकिन फिर भी ट्रैफिक जाम है। रीज़न इस यही सब ज़बरदस्ती का चौक किया होता ट्रैफिक, वो बॉटल लाइन गुजर के अब आगे आपको बिल्कुल क्लियर रूट मिलेगा। हमने लेफ्ट पे मुड़ना है तो हम पहले इंडिकेटर दे दें और लेफ्ट पे अपनी गाड़ी को कर लेते हैं, ताकि हमें बाकियों की तरह अचानक से ये ना करना पड़े, अरे भाई मैंने तो लेफ्ट पे जाना था, और एकदम से हम पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब कर दें तो हम पहले लेफ्ट पे आ जाते हैं। हमने लेफ्ट पे मुड़ना है तो हम इसलिए पहले से लेफ्ट पे हैं। चलिए हम तो अपना मुड़ जाएं, हमारा रास्ता क्लियर है, आगे पूरा जैम चल रहा है, हम अपना मुड़ें लेफ्ट पे। ये आगे बहुत अच्छा ड्राइवर जा रहा है जिसने इंडिकेटर दिया, और लेडीज़ ड्राइवर हैं, अप्रिशिएटेड। थोड़ा सा हमें ओवरटेक करना पड़ेगा भाई इसको, नहीं तो ये खैबर वाला हमें जगह नहीं देगा। वो खैबर वाला जो जा रहा है पीछे, वो अपना आराम से मज़े लेके ड्राइव कर रहा है 20 की स्पीड पे। अब उसकी वजह से मैं लेट पीछे इतना लेट नहीं हो सकता था, तो ये हमें कुछ जगहों पे इस तरह की ओवरटेकिंग करनी पड़ जाती है मजबूरन, जस्ट बिकॉज के वो घेर के चला रहे होते हैं सड़क। आज यहाँ पे कदरे बेहतर है, इतना ट्रैफिक नहीं है, वरना यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है इस रोड पर मुझे। लेकिन भी अच्छा ड्राइवर आगे उसने इंडिकेटर दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें ट्रैफिक मिला है, लेकिन आगे सिग्नल है और उसका रीज़न बिल्कुल ठीक है, सिग्नल की वजह से ट्रैफिक मिलता है यहाँ पर। थोड़ा सा खुल गया सिग्नल, लेकिन हम जब तक पहुँचेंगे फिर बंद हो चुका होगा। अगेन ये वाटर टैंकर्स ने ना हमारे कराची के ट्रैफिक का सत्यानाश किया होगा। सीरियसली आप कोई ऐसा रूट देख लें जहाँ पर आपको वाटर टैंकर ना मिले तो आप बताएं, हर जगह आपको वाटर टैंकर्स मिलेंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा कराची का तो पानी वाटर टैंकर्स पर चल रहा है। हमने मुड़ना है यहाँ से राइट पे, तो हम राइट पे रहेंगे पहले ही, वेट करते हैं सिग्नल के खुलने का, और उसके बाद बस हमारी डेस्टिनेशन आने वाली है। सिग्नल ओपन हो गया, अब हम राइट पे टर्न करेंगे। ये देखें रॉन्ग साइड से बाइक वाले घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सिग्नल, अब ये सिग्नल हमारा
खुला हुआ है, लेकिन ये भाई साहब घुस गए बीच में और इनकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ। तो दोस्तों आज के ड्राइव व्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए ड्राइव व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।